जो लोग बज़ाहिर बड़े नमाजी हैं, तहज्जुद गुजार हैं, नेक अमाल करने वाले हैं, वो क़यामत के दिन पीछे होंगे। और जो लोग इतने अमाल करने वाले नहीं हैं लेकिन फ़राइज़ पे अमल करते हैं, गुनाहों से बचते हैं और वालदैन की खिदमत करते हैं, क्या होगा अल्लाह क्योंकि ये माँ बाप की खिदमत करता था। कि मैं आपको इससे सवाल पूछता हूँ, अगर कोई वालदैन कहते हैं कि आप मिसाल के तौर पे नमाज करना चाहिए बंदे को जो कि बड़ा मतलब दीन को फॉलो करना चाहते हैं, सिस्टर्स का और ब्रदर्स का ये क्वेश्चन, वो तो उनके पाँव पड़ जाएंगे, पाँव चूमे उनके, यकीन जाने। इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह कहते हैं कि अपनी, वल्लाही इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह इमाम है, अपनी गाल को ना मिट्टी पे लगाते हैं। अच्छा, और कहते हैं कि माँ वालदा इस पे कदम रखें ताकि मुझे अजर मिले, ताकि मेरे दर्जात बुलंद हो, ये इमाम कह रहा है। तो मैं और आप कौन है भाई, हु आर यू टॉम डिक एंड हैरी, अपनी वालदा के पाँव पड़ जाएं, चूमे कदम उनके और उनको कहें अम्मा जी ये कर नहीं सकता अल्लाह के मेरे हुक्म है, लेकिन बी द बेस्ट ऑफ पीपल, यानी उनको उनको दबाएं, उनका ख्याल रखें, उनको जो मर्जी, ये नहीं कि नहीं अल्लाह के नबी का हुक्म है मैं बात नहीं मानूंगा। इल्म जो है ना वो हमें हम्बल करके हम्बल करना, अमली तौर पे सही, हमने इल्म झाड़ना नहीं पेरेंट्स का, हां झाड़ना, दाढ़ी हदीस चार हदीसें सुना दें दाढ़ी के ऊपर, ये पता बोलना सिखाया आपको, तेजी दिखा रहे हैं जिसने बोलना सिखाया आपको। और इवन आपको पता सलफ सालहीन ने ना एग्जैक्टली इस बात को समझा, यानी इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह कहते हैं कि उनसे उनके से लोग आके मिलते हैं ना, जो वालदा अपनी वालदा के साथ होते हैं, तो कहते हैं जब भी वो अपनी वालदा के साथ बैठे होते हैं वो यूज़ टू थिंक दैट ही इज़ इल, बीमार है वो, क्यों, क्योंकि वो इतने स्क्वीज होके और इतने वीक और मीक होके बैठे होते थे। और कहते हैं कि आई नेवर ईट विद माई, आई सेट विद माई पेरेंट्स, आई नेवर ईट इट, उस बर्तन से जहाँ से वो खा रहे होते हैं, आई फियर कि मेरे हाथ उस हो और मेरा अमाल ना बर्बाद हो जाए। मोहम्मद बिन मुनकदर, हाँ कौन से शेख थे जो जिनकी माँ नीचे बैठी हुई हैं और वो ऊपर वाली स्टोरी पे ही डजंट गो, शेख मुख्तार शकीती, हाँ मतलब दिस इज एन एक्सट्रीम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट कि कहीं वो माँ के उधर ऊपर ना ये मेरे लोग कदम आ जाएं, ये लोग जिंदा हैं अभी भी जिंदा हैं कि जो अपनी वालदा की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि वो ऊपर नहीं जाते। इवन शेख ये जो है ना मोहम्मद मुनकदर भी सलफ सालहीन में से हैं, तो कहते हैं कि आई वाज, मैं अपनी माँ के सही रात पाँव दबाता रहा और मेरा भाई दूसरे कमरे में सही रात तहज्जुद पढ़ता रहा। इफ़ यू आस्क मी आई विल नेवर रिप्लेस माई नाइट विद हिज नाइट। पेरेंट्स विल कम फर्स्ट, उनकी नीड, उनकी जरूरत, और जैसे ही वो ओल्ड एज में जाना शुरू हो जाते हैं, जैसे ही वो एक सर्टन एज में जाना शुरू होता है, उनकी नीड्स बढ़ेंगी और तभी जो आयत भी आई ना उसमें कहें व्हेन दे रीच ओल्ड एज ऑफ करने के ज़्यादा आएंगे, दे विल बिकम इरिटेटिंग, वो ऐसी बातें करेंगे, बार बार बात पूछेंगे, भूल जाएंगे, आपको कुछ छोटी छोटी बात पर चिढ़ना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज दे आर गेटिंग स्लोअर फिजिकली। मुझे लगता है कभी कभी पेरेंट्स डोंट लाइक टू बी डिपेंडेंट ऑन द चिल्ड्रन कभी भी, बट अब वो हो जो रहे होते ना उनसे वो अजीब सी, बिकॉज उन्होंने सारी उम्र यार हमें पाल पोस के बड़ा किया, वो कहते हैं यार ये कल का बच्चा, अब मैं इस पे डिपेंडेंट कैसे हो सकते हूं, हो जाते हैं हां, लेकिन अब हो रहे होते हैं तो वो चीज उनके लिए मुश्किल हो रही होती है, तभी एट दैट टाइम दैट्स व्हेन दे नीड अस द मोस्ट। हमें ना अपने पेरेंट्स को जिस तरह विजुलाइज करना चाहिए एज हमारे हीरोज और किंग्स एंड क्वींस, जो हमारे जहन में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल आदमी दुनिया में हो सकता है ना, सही बात है, पेरेंट्स को उसके ऊपर ले जाए इंसानों में, ऑब्वियसली जिसको आप समझते हैं ना यार ये बंदा कमाल है, बेहतरीन है, इसकी मैं सबसे ज्यादा इज्जत करूँ, जो भी, उस पेरेंट्स को सुपर रख लें रिगार्डलेस ऑफ, मतलब ये कॉन्सेप्ट होने नहीं चाहिए उनसे, उन्होंने मेरे साथ क्या करना है, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, अगर जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते अब तो कुछ कर सकते हैं, तो अगर अभी भी ना सीखा तो फिर कोई फायदा नहीं हमारा। क्योंकि अब्दुल नबी नवाज कहते भी है ना कि जो शख्स इन बातों को जानने के बाद भी कुछ अमल ना कर सका तो उसको चाहिए कि वो कसरत से ये दुआ पढ़े, रब रहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, यानी जो लैक कर रहा है ना और हकूक हक, मतलब एक्सीलेंट नहीं बन पा रहा, बुरा बना तो या वो तो दूर की बात है ना, वो तो फिर आपके सारे अमाल बर्बाद, लेकिन जो एक्सीलेंस नहीं इख्तियार कर पा रहा उसको चाहिए कि वो कसरत से पढ़े, रब रहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा।